बसमिल रही नादरीन असल मैम आपका मेजबान साबिर शाकिर विफाकी दारकूमत इस्लाम इस आबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन मालूम पाकिस्तान के लिए आज का दिन काफ़ी अहम है क्योंकि एक तवील अरस से जारी जो बहरान है वो ख़त्म होने की तरफ जा रहा है और उम्मीद की जाती है कि आज ही ये बहरान खत्म हो जाएगा और सदर ममलिकत सम की उस अहम तरीन समरी की मंजूरी दे देंगे जो उनके पास आज पहुँची है जी बिल्कुल नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब का ऐलान कर दिया गया है उनको नामजद कर दिया गया है हुकूमत ने उनके नाम की मंजूरी दे दी है सीनियर मोस्ट जनरल हैं और इस वक्त जो छः लेफ्टिनेट जनरल की फहरिस्त भेजी गई थी सीनियर मोस्ट जनरलों की उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट सैयद आसिम मुनीर शाह साहब थे उनके नाम की मंजूरी दी गई और उससे पहले एक और काम भी किया गया क्योंकि एक आइनी और कानूनी लगुना था उसको हल किया गया क्योंकि सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने 28 तारीख सत्ताईस को रिटायर होना है और 28 तारीख को जनरल बाजवा साहब की रिटायरमेंट का दिन है 29 नवंबर को नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अहद संभालना है इसलिए सैयद आसिम मुनीर शाह साहब के साथ जो एक दो दिन का इशू था उसको भी हल किया गया है और फाकि काबीना ने सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की जो रिटायरमेंट का मामला है उसको सीज कर दिया गया है उसको मंजमद कर दिया है और फाकी काबीना ने अपना ये एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है वो इस्तेमाल की है मैंने आपको बताया कि काफ़ी दिनों से आइनी और कानूनी माहरी आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे कि इस इशू को कैसे सॉल्व किया जाए पहले था कि आईनी आइनी तरमीम लाई जाए कान आर्मी एक्ट में तरमीम लाई जाए लेकिन उस पर नहीं इतफाक़ हो चुका था फिर यही तरीका इख्तियार किया गया कि उसके लिए ज़रूरी नहीं और ये फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ये इख्तियार रखती है इसलिए उसका हल तो ये निकाल लिया गया अब जनरल आसिम मुनर सत्ताईस तारीख को रिटायर नहीं होंगे बल्कि उनकी रिटायरमेंट सीज कर दी गई है मंजमद कर दी गई है और अब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अहदा संभालेंगे अब पाकिस्तान के नए सिपा सलार होंगे और बाकी इस दो फैसले किए गए हैं दोनों फैसले पहले नंबर पर आसिम मुनर थे नंबर टू पर साहिर शमशाद मिर्जा साहब थे तो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा उनकी सिनोरिटी नंबर टू थी अब अगर आ, उनको ड्रॉप किया जाता और उनकी जगह पे जो तजावीज आ रही थी कि जनरल नोमान को या जनरल आमिर महमूद को जनरल आमिर को या जनरल नोमान को उनको बना दिया जाए चेयरमैन जॉइंटाफ कमेटी तो इस दौरान जो सुपर हो जाना था कुछ जनरलों ने उसमें जनरल अजहर अब्बास हैं जनरल नोमान हैं उसके बाद जनरल फैज हैं जनरल आमिर हैं जन जनरल फैज तक ये जनरल जो हैं तीन चार जनरलों को कबल इस वक्त घर जाना पड़ता था लिहाजा फैसला यही किया गया कि सीनियरिटी के असूल को मुनहू खाते रखा जाए और पहले दो नंबर जो हैं उनको ले लिया जाए और उन्हें अपॉइंट कर दिया जाए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट शिफा साफ कमेटी इस तरीके से अब किसी की भी जो है किसी को भी कबल वक्त रिटायरमेंट नहीं लेना पड़ेगी जनरल अजहर अब्बास अपने मुकर वक्त पर अप्रैल में रिटायर होंगे उसके बाद जनरल फैज हमीद हैं जनरल जनरल नमान हैं फिर जनरल फैज़ हमीद हैं इस तरह किसी को भी कबल इस वक्त रिटायर नहीं होना पड़ेगा सब अपनी अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और अकॉर्डिंगली बिल्कुल जो एक नॉर्मल वे में घर जाएंगे वरना माजी में ये काफ़ी अरसे के बाद ऐसा होगा तवील अरसे के बाद क्योंकि आज तक पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सीनियर मोस्ट को आर्मी चीफ बनाया गया हो या चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया गया हो जनरल बाजवा भी चौथे नंबर पे थे जनरल हाइज शरीफ भी तीसरे और चौथे नंबर पे थे और उससे पीछे चले जाए जनरल कैनी साहब उससे पीछे जाए परवे मशरफ तो बहुत ही लेट नंबर के थे जनरल हक साहब सातवें नंबर पे थे इस तरीके से ये तवील है तारीख बहरहाल अब मामला है सदर ममलिकत की मंजूरी का क्योंकि असल मसला ये है सदर ममलिकत की इमरान खान साहब से मुलाकात हो चुकी है क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि हम आयन और कानून के मुताबिक इस इशू से खेलेंगे जाहिर है उनका एक पोलिटिकल नेगेटिव था पोलिटिकल स्टेटमेंट थी जो मेरे पास इतला हैं हमारे पास इतलात मस्बत हैं पॉजिटिव हैं और इस बात का बहुत ज्यादा इमकान है कि सदर ममलिकत जो है वो कोई रखना नहीं डालेंगे और ना ही इमरान खान साहब कोई रखना डालेंगे और इस को अप्रूव किया जाएगा आज ही और आज ही दस्तखत कर दिए जाएंगे अब डिपेंड करता है इस दौरान है बहुत सारे जो हैं इस वक्त इमरान खान साहब अपनी सियासत की अपनी सियासी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां हुई हैं और सारी ज्यादतियाँ ये की हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने क्योंकि ड्राइंग रूम में बैठ के कुछ फैसले किए गए और ड्राइंग रूम में बैठ के जो फैसले किए जाते हैं वो इदारे की या पाकिस्तान के मफाद के लिए नहीं बल्कि वो झाती मफाद के लिए किए जाते हैं और इस बात के शवाहद जो हैं वो बहुत ज़्यादा मालूम भी हैं इमरान खान साहब को भी मालूम है नवाज शरीफ साहब को भी मालूम है मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त सबसे बड़ा ये इशू था ये नए आर्मी चीफ को किसे होना चाहिए किसे नहीं होना चाहिए ये इतना बड़ा इशू नहीं था बल्कि सबसे बड़ा इशू सबसे बड़ा इम्तहान जो था पोलिटिकल प्लेयर्स के लिए पाकिस्तान के पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी के लिए और पाकिस्तान के आवाम के लिए और आ, इवन आ, अपने मुसल्ला फाज के लिए वो ये था कि जनरल बाजवा साहब से छड़ी कैसे वापस ली जाए क्योंकि उनका कोई इरादा नहीं था छड़ी वापस करने का और उन्होंने जितना भी प्लान तैयार किया था उस सारे का सारा अपनी ज़ात को आ, र, सामने रखते हुए किया था उनका कोई इरादा नहीं था घर जाने का उनका कोई इरादा नहीं था रिटायरमेंट का ये जो कुछ खेल खेला गया था इन फैक्ट वो उन्होंने अपने लिए खेला था वो अपने आप को कंटिन्यू करना चाहते थे और वो एक टर्म और लेना चाहते थे और हालात इस तरह के आ, पैदा करवाना चाहते थे या करना चाहते थे कि वो नागजीर तस्वर हों इसलिए आपने ये देखा कि पिछले छः सात माह में हर हर जर्नेल को हर लेफ्टिनेंट जनरल को मतनाज़ बनाया गया और एक मजमूम साजिश की गई मजमूम मकासद के जरिए सारा काम किया गया और इस दौरान जो तर्जुमान थे जिनको इदारे का तर्जुमान होना चाहिए था वो तर्जुमानी नहीं कर सके और उन्होंने किसी एक भी किसी एक भी जो गंद उछाड़ा जा रहा था किसी गंध का जवाब नहीं दिया इसलिए कि जनरल बाजवा साहब का ये हुक्म नहीं था जनरल आसिम मुनीर को मतनाज़ किया गया जनरल साहिब शाह साहिब शमशाद को मतनाज़ किया गया जनरल अजहर अब्बास को मतनाज़ बना दिया गया जनरल फैज हमीर साहब को मतनाज़ बना दिया गया जनरल आमिर को मतनाज़ बना दिया गया हर जर्नैल को मतनाज़ बना गया, किसी किसी दिया गया किसी पे किसी का स्टगमा लगवा दिया गया किसी पे किसी का इस्टिगमा लगवा दिया गया लेकिन बहरहाल आज का दिन जो है वो इम्पोर्टेंट है और अब क्यों इससे पीछे पहले तवील तरीन मुशावरत हुई इतिहादी जमातों ने भी इसको अप्रूव किया और फाखिर काबीना का ये मुतफि फैसला और इस पर इसलिए मैंने कहा था कि ये इंडोर्स करवाना जरूरी है वरना तो वज़ी अजम की स्वाबदीद है और वजी अजम का इख्तियार है कि वो वब्सोल्यूट अथॉरिटी रखते हैं कि किसी भी थ्री स्टार जनरल को वो आर्मी चीफ बना सकते हैं और इसमें कोई आईनी और कानूनी रुकावट नहीं है लेकिन चूंकि बहुत सारे इस वक्त किरदार काम कर रहे हैं बहुत सारे बहुत सारे अनासर हैं हर किसी का अपना अपना एक एजेंडा सेट किया हुआ है और हर कोई अपना एक एजेंडा लेके फिर रहा है इसलिए उससे पहले आइनी तौर पर कानूनी तौर पर बहुत मशावरत की गई और उसके बाद फिर मुनीर साहब को अनाउंस किया गया है और उसकी रीज़न यही थी कि सीनियरिटी का असूल जो है वो रखा जाए ये मैं आपको बड़े वसूल से कह दूँ कि जन आसिम मुनीर साहब पे जो एक स्टिग्मा लगवाने की कोशिश की गई वो दुरुस्त नहीं है और इसलिए कि वो बिल्कुल एक कूल एंड काम तरीके से काम करने वाले एक फौजी अफसर हैं वो कभी भी किसी दौड़ में शामिल नहीं हुए ना ही वो किसी लॉबी का हिस्सा बने वो अपने तौर पे आराम से काम करते हैं और आराम से ही अपने जो आयन और कानून ने जो उनको एक अख्तियार दिया हुआ है वो इंस्टीट्यूशन की भलाई के लिए ज़्यादा बेहतर अच्छा काम करेंगे और अपने जो दिफाही मामलत हैं दिफाही अमूर हैं उनको देखेंगे तजर्बा उनका बेशुमार है वो डी जी आई एस आई भी रह चुके हैं और दीगर अहम डी जी एम आई एम आई रह चुके हैं बहुत अहम पोस्टों पर रह चुके हैं तो बहरहाल ये क्राइसिस खत्म होने जा रहा है सदर अमरिकत की मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ क्योंकि ये बिल्कुल एक अचंभे वाली बात नहीं है अगर नवाज शरीफ साहब से मुशावरत हो सकती है और लंदन में आके मुशावरत हो सकती है क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज ने खेल ख़ुद ख़राब किया और अगर इसको वजीर अज़म हाउस तक महदूद रखते तो मेरा ख़्याल है उनके लिए भी इतने बहरानी कैफियत ना पैदा होती लेकिन वो जब लंदन आए लंदन आके उन्होंने खुलेआम मुकर शुरू कर दिए मुलाकातें शुरू कर दी और अगर वो पूरी बात बता देते अगर वो लंदन प्लान का पूरा बता देते तो मेरा ख़्याल है ज़्यादा अच्छा था क्योंकि लंदन प्लान जो था वो प्रिटी पे था जनरल आसम जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना ये था लंदन प्लान जो कि मलक अहमद ख़ान साहब जो हैं उसके रूहे रवान थे ख्वाजा आसिफ साहब पे उनके सुसर का प्रेशर था जनरल एजाज का मेजर जनरल एजाज रिटायर्ड जो हैं उनका वो सारे का सारा वो प्रेशर था शबाशीद साहब पे प्रेशर था इनको कहा जा रहा था कि हम आपको आ, आप हमें मुझे कंटिन्यू करें मैं आपको कंटिन्यू करवाता हूँ ये है पूरा गेम प्लान ये था और अगर उस लंदन प्लान के बारे में अब भी अगर मुस्लिम लीग नवाज लब कर दे तो मेरा ख्याल है कि पोलिटिकली ज़्यादा फ़ायदा होगा और इस तकर्ररी में अगली मैं आपको बता दूं कि इस तकर्री में इमरान खान साहब का रोल भी पॉजिटिव है और इमरान खान साहब भी ऑन बोर्ड किसी ना किसी हद तक बल्कि काफ़ी हद तक ऑन बोर्ड हैं और थे उसकी वजह है कि सागदार साहब की जो मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट साहब से आ, उस सागदार मुलाक, की मुलाकात प्रेजिडेंट साहब से हुई प्रेजिडेंट अलवी से तो उस मुलाकात में भी बहुत सारी चीज़ें कन्वे की गई थी और पोलिटिकल प्लेयर्स इस वक्त उनका एक इम्तहान है और आइंदा भी रहेगा अब ये सारी बातें मुझे मेरे इतला के मुताबिक तो पॉजिटिव मैनर्स में ही आगे बढ़ रही थी और इसीलिए ये जो धरना जो है धरने की तारीख भी थोड़ी सी डिले की गई थी इसीलिए ये चीज़ों को आगे मुसबत तरीके से आगे बढ़ाया जाए और पोलिटिकल प्लेयर्स बैठ के आपस में आइंदा इंतबात एलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ये सारी चीज़ें तय करेंगे और इस दौरान जितनी भी पटिशन्स फाइल की गई वो सारी की सारी अब तक किसी भी पटिशन को एंटरटेन नहीं किया गया बल्कि सिंध हाई कोर्ट ने दस हज़ार रुपये जुर्माना आयद करके वो पटिशन खारिज कर दी क्योंकि आर्मी चीफ की तकररी चैलेंज की गई थी सिंध हाई कोर्ट में इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में एक अटैम्प्ट हो चुकी है वो भी लाहौर हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दी थी और एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट ने भी एतराज़ लगा के वापस कर दी है तो अदलिया जो है वो भी इस क्राइसिस में नहीं आना चाहती तो इस तरीके से जी समरी आज दस्तखत हो जाए कल हो जाए समरी मेरी इतला के मुताबिक ये समरी पे दस्तखत हो जाएंगे और सदर ममलिकत कोई रुकावट नहीं डालेंगे और ना ही इमरान खान साहब इसमें कोई रुकावट डालेंगे और उन्होंने भी फैसला कर लिया है लेकिन पॉलिटिक्स सर पॉलिटिक्स पॉलिटिक में कुछ भी हो सकता है आ, कभी भी कोई आ, एंट्री आ सकती है नई एंट्री आ सकती है और बहरान क्योंकि इस मौके पे ज़रूरत इस बात की है कि इस बरहान को ख़त्म किया जाए मामला को आगे बढ़ाया जाए हिजानी कैफियत खत्म की जाए पूरी दुनिया की नजरें हम पे हैं हमारी अफवाज पे हैं हमारी मुसल्ह अफवाज पे हैं हमारी पोलिटिकल लीडरशिप पे हैं खबर हुकूमत में हैं या अपोजिशन में है अपने इख्लाफा को ख़त्म करें इस क्राइसिस को ख़त्म करें और आगे बढ़ें ताकि हमारी पूरी दुनिया में जग हमसाई ना हो आ, अपॉइंटमेंट हुई है इस अपॉइंटमेंट को सब को कबूल करना चाहिए और मौका देना चाहिए काम करने का आ, बाकी कुछ और बातें हैं बहुत सारी बातें हैं शाह अगले व्लॉग में बताऊंगा इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज